जिले में वन्य प्राणियों की हो रही हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले में हुई घटनाओं का अभी हाल में ही खुलासा हुआ है। बावजूद इसके वन जीवों की हत्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार सलेहा वन मंडल अंतर्गत का मामला प्रकाश में आया है। पटना तमोली में दिनांक 24 सितंबर को मिली जानकारी के अनुसार वन कर्मचारियों को की फंदे एवं लकड़ी लिए हुआ तेंदुआ नीम के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे आनंद फानंद में रेंजर आरएस पटेल मौके पर पहुंचे और दूरबीन के द्वारा कुछ दूरी से देखा गया तो देखने में आया कि अभी जिंदा है, जिस कारण अपने जिले के जवाबदार अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया गया, जिससे अधिकारी कर्मचारियों के आने पर डॉक्टरों की एसएफएल टीम द्वारा जांच करने पर मृत घोषित कर दिया गया, जिसके आज दिनांक 25 सितंबर 2020 को जांच पड़ताल एवं पोस्टमार्टम जिले के जवाबदार कर्मचारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम एवं पंचनामा कर संस्कार किया गया, जिसमें रेंजर सिंह द्वारा बताया गया कि डॉग स्पॉट सतना द्वारा सर्च करने पर मछलू कुमार जो बटाई में खेत लिए हुए था उस जगह पर डॉग स्क्वायर ने सर्च किया, जिसमें मछलू कुमार को कर्मचारियों ने हिरासत में लिया है, जो पूछताछ के बाद जानकारी आने पर विवेचना की जाएगी, जिसकी अभी विवेचना एवं पूछताछ जारी है। सलेहा से आरपी वर्मन, सुशील वर्मन की रिपोर्ट। आरएस पटेल, वन क्षेत्रपाल, परिषद अधिकारी सलेहा। लगभग कितने संघर्ष के बाद सर जो है ये सर्च किया गया, लगभग कितनी इसकी दूरी रही होगी? दूरी जहाँ पर इसकी जब्ती हुई है उससे दूरी लगभग आधा किलोमीटर है, 500 मीटर के आसपास है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी सर, किसकी लापरवाही आपको समझ में आ रही है? अब चूंकि ये फॉरेस्ट के बाहर लगाया गया है और आम जनता को इसमें जागरूक होना चाहिए कि उसे इस तरह के फंदे नहीं लगाना है। अक्सर लोग सुअर के लिए फंदे लगाते हैं, हम लोग सर्च करते हैं और लोगों को ये मानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि ये फंदे नहीं लगाएं, इससे वन प्राणी हो रहे हैं। बाकी ये केस हम लोग लगातार गांव में मीटिंग लेके लोगों को समझा रहे हैं, फंदे भी सर्च करते हैं क्षेत्र में और लगातार हम लोगों के द्वारा समझाइश दी जाती है कि इस तरह के फंदे नहीं लगाना है। जो है मुलजिम के तौर पर किसी को बरामद किया गया? अभी ये जिनका खेत है, जिनके यहाँ से इसके निशान प्राप्त हुए हैं, पूरे ड्रैगिंग के ट्रेल मिली हुई है, तो खेत वाले मछलू कुम्हार जो यहाँ पर बटाई में खेत लिए हुए हैं उनको हमने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये तेंदुए की घटना हुई है पटना तमोली में, सर क्या कैसी घटना है, कैसी जानकारी आपको लगी? जी कल दिनांक को यहीं आपके पटना तमोली में ही मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक तेंदुआ नीम के पेड़ में गांव में राजस्व क्षेत्र में चढ़ा हुआ है, तो उसको मैं यहां आकर बाइनाकुलर से देखा। बाइनाकुलर से देखने में ये पाया कि उस पर एक लकड़ी लटकी हुई है। उसके बाद मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और लगभग आधा घंटा में यानी 2:30 बजे सूचना मिलती है और लगभग 3:15 के आसपास ये मूवमेंट इसकी बंद हो जाती है और अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और मौके पे जाके हम लोग उसके पास जाके देखते हैं तो वो मृत मिलता है। जी कल के दिन DFO साहब और SDO साहब और डॉक्टर साहब आए पन्ना टाइगर रिजर्व से, तो इसकी डेथ हो गई थी। बाद में हम लोगों ने इसको पेड़ से नहीं उतारा, नीम के पेड़ से ही वहीं पर रहा। आज सुबह है दिनांक 25 तारीख को डॉग स्क्वाड की टीम जो टाइगर स्ट्राइक फोर्स सतना की है उसको बुलाकर यहाँ पर सर्चिंग की गई, तो उसका पूरा ट्रेल मिला जहाँ से वो आया हुआ था और उस खेत तक हमें पहुँचाया जहाँ से ये फंदा लगा के ये वारदात हुई थी। जी सर बता रहा हूँ आपका सब नाम द्वारा जानकारी दी बताया। जी जब मौके पे आए क्या पाया आप? मौके पे आए तो तेंदुआ पेड़ पे लटका हुआ था, जी आई साहब उसके बाद
द्वारा मुजरिम को पकड़ा गया कि किस तरह से आपने कितनी मेहनत के बाद जो है ये काम किया? हिंदू को गृह से उतरवा दिए, वायर लगी थी उसकी स्मेल लेकर डॉग को छोड़ दिया। डॉग बॉडी फंदा लगा था वहीं पर लगभग 2 किलोमीटर एरिया सर्च किया डॉग। उसके बाद फिर कोई जानकारी लगी? अब उसके आगे जानकारी आगे विवेचना चालू नहीं तो सुराग की कोई आपकी नॉलेज आप आगे विवेचना चालू है जैसे सुराग आगे मिले इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अभी विवेचना चल रही है आगे जैसे विवेचना कार्रवाई पूर्ण होती है। ओके।